आपको मैं मटन की रेसिपी देने वाला हूँ। ये मटन है, मैंने ये 500 ग्राम मटन लिया है दोस्तों। सॉरी, आपको 300 ग्राम बोल रहा था। 500 ग्राम मटन लिया है। इसका मसाला देख लीजिए, ये मेरा बराबर है। 3 प्याज को पतला साइज में कट कर लिया हूँ, 2 आलू को इस साइज़ में कट कर लिया हूँ, 2 फल्ला में। आइए मसाला देख लीजिए, इसमें आधा लहसुन, प्याज, जीरा और दालचीनी लौंग और ये तेज़पत्ता है जो हम छौंक में देंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू किया जाए। और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज जिसने किए उनको बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए, हम बहुत दिन बाद आज आपको मटन की रेसिपी देने वाले हैं, तो देख लीजिएगा पूरा वीडियो और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए कुकिंग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, कढ़ाई चढ़ा दिया हूँ, हम तेल डालेंगे। अभी तेल को गर्म होने देते पहले। तो देखिए दोस्तों, तेल गर्म हो चुका है तो हम आलू डाल देंगे। पहले आलू को फ्राई करेंगे अच्छा सा। मटन में जो आलू है ना, थोड़ा लाल करके फ्राई करने से ना बहुत अच्छा लगता है खाने में। इसको पूरा लाल करके अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आलू फ्राई हो गया। अब निकाल लेते आलू को, अच्छे से लाल करके फ्राई किया। अब मटन का रेसिपी मैंने एकदम, ये सूखा टाइप का बनेगा मटन, ज़्यादा गिल्ला वाला नहीं बनाएंगे। तो हम तेज पत्ता डालेंगे पहले। मैंने 4 तेज पत्ता लिया। अब डालेंगे हम जीरा थोड़ा सा। अब डालेंगे प्याज। प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे पहले। प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे, उसके बाद ही हम अच्छा मसाला ऐड करेंगे। प्याज को फ्राई होने देते। तो देखिए दोस्तों, प्याज फ्राई हो गया। तो हम अभी इसमें अपना जो मसाला पीसा हुआ वो डालेंगे, आधा लहसुन, जीरा, प्याज और दालचीनी लौंग। तो मसालों को फ्राई करके हम इसमें मटन ऐड करेंगे। मसालों को अच्छे से फ्राई करेंगे। अभी हम इसमें पाउडर मसाला ऐड करेंगे। एक चम्मच नमक और थोड़ा सा डालेंगे, आधा चम्मच का। हल्दी पाउडर आधा चम्मच मिला देंगे। मटन को कम से कम ना डालने के बाद 10-15 मिनट हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे उसको गैस कम करके। तो अभी हम मटन ऐड नहीं किया, अभी मसाला और सब आती है, पाउडर और जीरा पीस के दिया हो। तो मैं मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर ऐड नहीं करेंगे। मिर्ची पाउडर है 1 चम्मच और ये आधा। आपको तीखा जितना पसंद है अपने हिसाब से डालिएगा। अब डालेंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच और एक डालेंगे, 2 चम्मच डाल दिया धनिया पाउडर। थोड़ा सा हम उसमें पानी ऐड करेंगे, मसाला जलना नहीं चाहिए इसलिए। अब हम इसमें मटन भी डाल देंगे, मटन के साथ ही मसाला को अच्छे से फ्राई करेंगे। इसको हम 10 मिनट कम गैस करके मसाला के साथ मटन को फ्राई करेंगे पहले, उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो चलिए इसको फ्राई होने देते, अभी ढक देते और गैस को कम कर देंगे। कम कर दिए गैस, अब इसको फ्राई होने देते। तो देखिए दोस्तों, अब दिखा देते, कम से कम 10 मिनट हो गए मैंने अच्छे से इसको फ्राई किया। अब 2-2 मिनट बाद हिलाया दोस्तों, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, जो आप पूरा दिखाया नहीं। 10 मिनट पूरा मसाला को फ्राई किया हो मटन का साथ। तो हम इसमें अभी गर्म पानी ऐड करेंगे। गर्म पानी दीजिएगा मटन में, तो इसका जो टेस्ट है ना अच्छा लगेगा। और आलू को भी हम डाल देंगे अभी।
आलू जो है ना थोड़ा लेट से डालिएगा, नहीं तो आलू जो है ना पक जाएगा। तो देखिए अभी हम इसमें गर्म पानी में आलू से दूसरा गैस में गर्म पानी कर रहा हूँ, तो हम वही ऐड करेंगे अभी। और 10 मिनट मैंने फ्राई किया मटन को अच्छा से, ये देखिए गर्म पानी मैंने करके ढाले। गर्म पानी ढालिएगा तभी ये खाने में अच्छा लगेगा, मतलब अच्छा से टेस्टी बनेगा रेसिपी। और इसमें अभी तक हम मटन मसाला ऐड नहीं किया, तो मटन मसाला बाद में ऐड करेंगे। तो देखिए दोस्तों हम घोल डाल दिए पूरा, और इसको 40 मिनट पूरा, 20 मिनट हम तेज आंच में पकाएंगे और 20 मिनट जो है ना हम कम आंच में पकाएंगे, तो हमारा मटन पूरा गल जाएगा। तो आपको 40 मिनट बाद आपको पूरा दिखाते हैं हमारा रेसिपी कितना ये सूखा बनेगा। मैंने पानी जो दिया उसी मटन गलने का भी दिया, आप चाहे तो इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको कढ़ाई में बना रहा हूँ। तो चलिए हम इसको ढक देते हैं और 20 मिनट हम तेज आंच में पकाएंगे पहले, और बाद में 20 मिनट के लिए हम कम कर देंगे। तो और मटन मसाला भी ऐड नहीं किया, बाद में ऐड करेंगे। देखते हैं दोस्तों कितना देर हुआ, 40 मिनट मैंने इसको पकाया पूरा तेज आंच में मटन को। 40 मिनट बाद आपको दिखा रहा है, देखिए कितना पानी मैंने ऐड किया था, कितना हो गया। तभी हम इसमें मटन मसाला ऐड करेंगे, मटन मसाला अभी तक ऐड नहीं किया मैंने, तो मटन मसाला डालेंगे। इसलिए मैंने आपको डाला नहीं था, आपको दिखा देते, देखिए मटन मसाला हम ये डालेंगे अच्छे से। और अभी तेज आंच में कम से कम मटन मसाला डालने के बाद कम से कम और हम 3 से 4 मिनट अच्छे से पकाएंगे। मैं 40 मिनट पकाया ना, मेरा मटन पूरा गल गया अच्छे से, पक गया, आलू भी देखिए पूरा दिख रहा है। इसलिए मैं पूरा 40 मिनट पकाया, बीच बीच में मैंने एक बार चेक किया है, तो आपको मैं बता देता हूँ, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा कुकिंग करने में मटन का। और आप कुकर में चढ़ाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा, आपको 2 से 3 सीटी लगाइएगा। तो चलिए इसको मटन मसाला डालने का उसको और फिर 2-3 मिनट पका लेते हैं, बाकी हमारी रेसिपी रेडी है। तो चलिए दोस्तों कम से कम 2 से 3 मिनट हो गया मैंने मटन मसाला डालने का बाद। तो देखिए पूरा अच्छे से पक गया, मटन भी पक गया, और इतना सा रस रखेंगे चावल के साथ की रोटी के साथ खाने के लिए। बहुत अच्छा वाला रेसिपी बनाया मैंने, पूरा वीडियो दिखेगा और रेसिपी तो पूरा रेडी है दोस्तों। तो चलिए इसका प्लेटिंग दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों आपको ये मटन की रेसिपी देखना है तो आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो जाइए देखिए, और अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय दोस्तों।